फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं आज लाइव। तो एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि BSNL के केस में कार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है? तो आज उसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं, ठीक है? तो आपको वन बाय वन सारी चीज़ें बताई जाएंगी, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को सुनिए, ठीक है? तो कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए, जैसा मैंने कहा था कि आज हम आपको कार्ड्स के बारे में बताएंगे। तो देखिए, BSNL में चाहे BTS हो या DSLAM हो, जिससे आपके घर पर इंटरनेट पहुंचता है, उसके अलावा जो आपके घर में डायल टोन पहुंचती है, जो हमारा मेन एक्सचेंज होता है, जो कहलाता है, अलग अलग होते हैं, उनके नाम और सीरियल्स होते हैं। जैसे आपका NGN हो गया, है ना, उस तरीके से C-Dot एक्सचेंज हो गई, तो सारी चीज़ों में कार्ड्स लगते हैं, ठीक है? तो जैसे ये आपके सामने यहाँ पे ये DSLAM है, तो ये DSLAM में ये बहुत सारी कार्ड्स लगी हुई हैं, सबके अपने अपने यूज़ होते हैं, ठीक है? ये आपके DSLAM की कार्ड्स होगी। जैसे ये रैक लगी हुई है, देखिए, ये सारी कार्ड्स ही लगी हुई हैं, ठीक है? ये पूरी रैक होती है, इसमें ये कार्ड्स लगे हुए होते हैं, और ये जो वायर्स वगैरह हैं, ये जाके MDF पे आपके थ्रू हो जाते हैं, ठीक है? तो कुछ कार्डें ऐसी होगी, जैसे ये आपकी एक DSLAM की कार्ड रखी हुई है, ये देखिए, ये अंदर से पूरा इसका ये सर्किट वगैरह है, ठीक है? ये आपकी एक कार्ड हो गई। उसके अलावा देखिए, ये आपका C-Dot NGN लगा हुआ है, ठीक है? इसमें भी देखिए बहुत सारी कार्ड्स हैं, सब्सक्राइबर कार्ड होती हैं, और भी बहुत सारी कार्ड्स होती हैं, ठीक है? तो ये सारी आपकी कार्डें लगी हुई हैं, पूरा सिस्टम लगा हुआ है। तो ये पूरा कंबाइंड होके ही आपका एक सिस्टम बनता है जो फंक्शन करता है। तो हर कार्ड का एक अपना स्पेसिफिक यूज़ भी होता है, जब ख़राब हो जाती है तो हमको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये देखिए, सारी की सारी ये अनयूज्ड कार्ड्स रखी हुई हैं, अब इनका कोई यूज़ नहीं है, या तो ख़राब हो गई होंगी, ठीक है? और ये जो रैक है, ये यूज़ में नहीं है, बंद पड़ी हुई हैं सारी, तो इस वजह से ये कार्डें भी निकाल ली गई हैं,